आज 12 नए कोरोना पॉजिटिव मिले, जबकि 24 स्वस्थ होकर घर लौटे। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 12 में से 9 सीकर शहर और 3 मरीज फतेहपुर ब्लॉक से मिले हैं, जिसके बाद कुल कोरोना मरीजों की संख्या 1202 हो गई। IAS परीक्षा में श्री माधोपुर के सोहन निठारवाल ने 201, नेटवा के विक्रम सहयाग ने 450, पीयूष गिठाला ने 530 और नीम का थाना के विवेश वर्मा ने 711वीं रैंक हासिल कर सीकर का नाम रोशन किया है। परिणाम के बाद इनके घर बधाई देने वालों का तांता लग गया। बता दें कि केमिकल इंजीनियर विवेश पहले RAS की परीक्षा भी पास कर चुके हैं। इनका कंटिन्यूस सपोर्ट जब तक नहीं होता तब तक आप कुछ बड़ा अचीव नहीं कर सकते। इसके अलावा फ्रेंड सर्कल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा, मतलब फील्ड से जुड़े हुए भी और नहीं जुड़े हुए भी उनका सपोर्ट भी लगातार रहा। बाकी कुछ जाने अनचाहे चेहरे जुड़ते चले जाते हैं, मतलब सफलता कभी नहीं मिलती। आपने कौन सी रैंक हासिल? 711। आप कुछ नया करने का विचार रखते हैं? बताइए। नहीं, कोशिश पहले थी जो कि और रैंक को इम्प्रूव करके प्रॉपरली तरफ देखा जाए, बाकी जो भी प्रशासनिक सेवा में जाएंगे वो बेहतर करने की कोशिश करेंगे। फतेहपुर ADM कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारियों की ब्लॉक स्तरीय बैठक आज हुई। बैठक में सरकार की बाड़ाबंदी से निकलकर विधायक हाकम मलिक का शामिल होना चर्चा में रहा। बैठक में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बरसाती पानी की निकासी सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सीकर के निजी स्कूल संचालकों और शिक्षकों की बैठक आज इम्पल्स कोचिंग सेंटर में हुई। शिक्षा बचाओ संघर्ष समिति की बैनर तले हुई बैठक में स्कूली बच्चों की फीस नहीं लेने के सरकारी फैसले का विरोध किया गया। फैसला वापस नहीं लेने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। लोसेल के पास सांगलिया धोनी पर जन्माष्टमी पर आयोजित होने वाला बरसी का कार्यक्रम इस बार रद्द कर दिया गया है। कोरोना के खतरे व सरकारी गाइडलाइन को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। अखिल भारतीय सांगलिया धूनी के पीठाधीश ओमदास महाराज ने बताया कि बाबा खेवादास जी महाराज की बरसी का कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया है। इसी तरह फतेहपुर का धोली सती मंदिर का वार्षिक मेला भी रद्द कर दिया गया है। केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति के विरोध में आज SFI ने कलेक्टर पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नई शिक्षा नीति को छात्र विरोधी बताया और शिक्षा नीति की प्रतियां जलाकर आक्रोश जताया। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष खानुखा बुधवाली आज फतेहपुर पहुंचे। यहां विधायक हाकम अली के साथ उन्होंने ब्लॉक स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने भाजपा विधायक राजेंद्र राठौड़ को भोजन वाली थाली में ही छेद करने वाला कह दिया। पलसाना कस्बे में आज सुबह बैंक से रुपए निकलवा कर बाजार जा रहे एक रिटायर्ड फौजी से कार में सवार बदमाशों ने 30,000 रुपए छीन कर फरार हो गए। बदमाश रास्ता पूछने के बहाने दूध वालों को बास निवासी कजोड़मल के पास रुके थे, जिनमें से साधु के वेश में एक बदमाश ने फौजी से चाय के रुपए मांगे। जब फौजी देने लगा तो इसी दौरान उसके पास से रुपए छीनकर बदमाश फरार हो गए।